एक्सप्रेस न्यूज सच का साथी। बलरामपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक बदमाश 20,000 की लूट करके भाग रहा था, तभी बलरामपुर जिले के थाना कोतवाली उतरौला क्षेत्र के गैडास बुजुर्ग के पास पुलिस और भाग रहे बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। बदमाश को भी गोली लगने से वो भी घायल हो गया। घायल पुलिसकर्मियों को प्रभारी निरीक्षक उतरौला संतोष कुमार सिंह नासिर ओम प्रकाश गोली लगने से घायल हो गए हैं, जबकि 1,00,000 का इनामी बदमाश निजामुद्दीन उसको भी गोली लगी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। घायलों को इलाज के लिए उतरौला के CHC में भर्ती कराया गया है। उतरौला थाने के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह के रहते यूं तो अपराधियों के द्वारा किए गए अपराधों के अनेकों खुलासे हुए। कई खुलासों के साथ साथ ये तीसरा बदमाश मुठभेड़ में पकड़ा गया है, जिसमें वह दूसरी बार घायल हो गए हैं। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए हमेशा जांबाजी से कानून व्यवस्था के लिए जान की बाजी लगाकर लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने में कामयाबी हासिल की है, जिससे अपराधियों के हौसले पस्त हो गए हैं। ये एक बलरामपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। देखिए, ये मामला ये है कि आज एक व्यक्ति थाने की सूचना लेके आया कि मोटरसाइकिल और उसके पास 30,000 रुपये थे, तीन बदमाशों ने सुन लिया। तो इस सूचना पे हमारी ड्यूटी की अर्जीज हैं और लोकल जो बॉर्डरिंग पुलिस स्टेशन सबके फोर्स को हम लोगों ने कॉर्डन ऑफ कराने के लिए किया। इसी दरमियान इंस्पेक्टर उतरौला की टीम उसका इस बदमाश के साथ आमना सामना हुआ और जब उन लोगों का कुआ रोकने का इशारा किया गया तो उन लोगों ने फायर किया गाड़ी पे। ये लोग गाड़ी में थे। पूरा डिटेल नहीं मिल पाया क्योंकि हमारे लिए जो घायल हैं बच्चों का डिटेल नहीं पूछ पाया। मुझे जो अभी फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि फायर किया, इन लोगों ने भी फायर किया, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है और हमारे इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल हैं वो भी प्रदेश में, उन्हें भी गनशॉट की रेटिंग मिली है। सभी लोग इसी अस्पताल में हैं। ये बदमाश इस जनपद का बहुत ही साथी बदमाश है। इसमें 1,00,000 रुपये का इनाम था। अलिया क्षेत्र का रहने वाला है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले इसी थाना क्षेत्र में एक सोनार की लूट हुई थी, जिसमें 12-14 लाख रुपए के गहने लूटे गए थे। यदि उस दिन भी हमारी PRP 500 की गाड़ियों ने इन लोगों को घेर लिया था, उस दिन भी पकड़ लिया था, लेकिन उन झटके में ये छुड़ा के भाग गए थे। लूटा हुआ बैग छूट गया था, उसकी पूरी की पूरी रिकवरी हो गई थी, लेकिन ये बदमाश पकड़ में नहीं आ पाए थे। फिर वो पूरी गैंग हम लोगों ने वर्कआउट की। इसके अलावा बाकी सबों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया था। ये हमारा बहुत पुराना चैलेंज था जो आज पूरा हुआ।